What's up everyone, this is your host Mr. Rajput and you are watching Comic Rajput. So guys, Wonder Woman का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और हालांकि हमें Wonder Woman के ट्रेलर में चीता की कोई भी लुक देखने को नहीं मिली, पर हम सभी जानते हैं कि आने वाले अगले ट्रेलर में हमें चीता की फर्स्ट लुक जरूर देखेगी। तो मेरे हिसाब से बहुत ही राइट टाइमिंग है चीता की ऑरिजिन जानने के लिए। सो आज हम शेयर करने वाले हैं ऑरिजिन ऑफ चीता। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार बारबरा मिनर्वा चीता में कैसे कन्वर्ट हुई। सो गाइस, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स बिगिन द वीडियो। चीता का असली नाम है बारबरा मिनर्वा और बारबरा का जन्म इंग्लैंड की एक रॉयल फैमिली में हुआ था, पर सैडली बचपन में ही बारबरा की मदर की डेथ हो जाती है, जिसके कारण बारबरा के फादर बहुत ही अपसेट रहने लगते हैं। और बारबरा का बचपन से ही ग्रीक माइथोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, स्पेशली अमेज़न में। पर यह बात बारबरा के फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि बारबरा की मदर की डेथ हो चुकी थी, इसलिए बारबरा के फादर यही चाहते थे कि उसकी बेटी जल्दी से जल्दी मैच्योर हो जाए। और वहीं दूसरी तरफ बारबरा अपनी पढ़ाई को छोड़कर हमेशा अमेज़न की कहानियों में ही मस्त रहती और एक नकली शील्ड और स्वॉर्ड को लेकर वंडर वूमन की तरह अपने घर में खेलती रहती। और ये बात बारबरा के फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए एक दिन उसके फादर ने बारबरा की स्वॉर्ड और शील्ड लेकर उसे आग में फेंक दिया और अपनी बेटी से कहा कि अब बड़े होने का टाइम हो गया है। पर यह बात बारबरा के हार्ट को बहुत ही हर्ट करती है और वो इसके बाद अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देने लगती है और 26 साल की उम्र में ही वो एक बहुत ही सक्सेसफुल आर्कियोलॉजिस्ट बन जाती है। और आर्कियोलॉजिस्ट बनने के बाद वो अपनी एक टीम के साथ अपनी रिसर्च करने एक आइलैंड के ऊपर जाती है और वहाँ पे वो अपने दोस्तों को अमेज़न के बारे में बताती है, पर उसके सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अमेज़न नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो इस पे बारबरा ने कहती है कि मैं उन्हें सुबह तक ये साबित करके दिखाऊंगी कि अमेज़न एग्जिस्ट करते हैं। और उसके बाद बारबरा अकेली ही उस आइलैंड पे अपनी रिसर्च को एक्सप्लोर करने निकल पड़ती है और कुछ ही टाइम के बाद वो टॉम बॉफलिफेसस की एक केव में जाती है, जहाँ पे उसे 12th क्वीन ऑफ अमेज़न की डेड बॉडी मिलती है और उसी के साथ उसे शील्ड और स्वॉर्ड भी दिखती है। तो जैसे ही वो अपने कदम आगे बढ़ाती है, पूरी की पूरी केव हिलने लगती है और वो गिरने लगती है। तो बारबरा किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर निकल आती है। तो उसके बाद वो वापस अमेरिका आकर बार में बैठती है और वहीं पे उसकी मुलाकात उसके एक पुराने दोस्त विक्टर के साथ होती है। और उस वक्त बारबरा ने बहुत ही ज़्यादा शराब पी रखी थी, इसी कारण वो अपने होश में नहीं थी। इसके बाद वो विक्टर को अपनी पूरी रिसर्च के बारे में बताती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। तो जब बारबरा को होश आता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी पूरी की पूरी रिसर्च को विक्टर चुरा कर वहाँ से भाग गया है। तो क्योंकि ये पूरी की पूरी रिसर्च बारबरा ने करी थी, तो ये पूरी की पूरी रिसर्च बारबरा के माइंड में थी, तो उसे पता था कि विक्टर उसकी रिसर्च के जरिए सबसे पहले किस जगह पे जाएगा। तो उसी को फॉलो करते हुए बारबरा उस जगह पे पहुंचती है। तो जब वो उस जगह पे पहुंचती है तो उसे विक्टर तो नहीं मिलता, उसे मिलती है विक्टर की डेड बॉडी। तो विक्टर की डेथ हो चुकी होती है और उसके चेस्ट के ऊपर एक मिस्टीरियस मार्क बना होता है। तो तभी वहाँ पर एक वियर्ड सी लेडी आती है एक छोटी बच्ची के साथ, जो उसे बताती है कि तुम्हारा दोस्त वहाँ पे चला गया जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए था, पर अब तुम ये गलती मत करना और यहाँ से चली जाओ। तो उस पे बारबरा कहती है कि वो अमेज़न को ढूंढ रही है, पर इस पे वो वियर्ड सी ओल्ड लेडी कहती है कि मुझे पता है तुम किसे ढूंढ रही हो। तो वो अपने साथ एक छोटी बच्ची को कहती है कि इसे कुछ खाने को और पीने को दो और इसे यहाँ से जाने को कहो। तो उसके बाद बारबरा वहीं पे नाइट स्पेंड करती है और अपने रिसर्च को देखते हुए उसे एक और आइलैंड के बारे में पता चलता है। तो वो अगले ही दिन उस आइलैंड की ओर निकल पड़ती है और उस आइलैंड के ऊपर एक्सप्लोर करने के बाद उसे कोई भी अमेज़न की सिविलाइजेशन का कोई भी मार्क नहीं मिलता और बारबरा को वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ता है, लेकिन वो हार नहीं मानती। इसके बाद बारबरा अमेरिका में आकर एक यूनिवर्सिटी में आर्कियोलॉजिस्ट टीचर बन जाती है और उसके बाद अमेरिका में एंट्री होती है वंडर वूमेन की। और वंडर वूमेन को देखते ही बारबरा बहुत ही खुश हो जाती है और उसे ये यकीन हो जाता है कि अमेज़न एग्जिस्ट करते हैं। तो कुछ ही टाइम के बाद बारबरा और वंडर वूमेन की काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि बारबरा वंडर वूमेन को मैनकाइंड के बारे में सब कुछ बताती है और इसके बदले बारबरा वंडर वूमेन को कहती है कि वो उसे अमेज़न के बारे में सब कुछ बताए। तो इसके कुछ टाइम के बाद बारबरा को एक हिडन टेम्पल के बारे में पता चलता है जो कि केव में था, और उसे पता चलता है कि उस टेम्पल के अंदर एक उर्जगर्दगा नाम का गॉड रहता है। और बारबरा वंडर वूमेन को बताती है कि वो वहाँ पर उस केव में अपनी रिसर्च को एक्सप्लोर करने जा रही है। तो वंडर वूमेन को उसकी बहुत ही चिंता होती है और वो बारबरा को एक GPS देती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हें इजीली इस GPS के जरिए ढूंढ लूंगी। लेकिन वहीं पर एक केल नाम की लड़की भी काम करती थी जो कि बारबरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, तो वो सीक्रेटली उस GPS को डीएक्टिवेट कर देती है और डॉक्टर साइबर की हेल्प के साथ वो अमेरिका में कुछ डिजास्टर करने लगती है ताकि वंडर वूमेन बारबरा से डिस्ट्रैक्ट रहे और यहाँ पे बिजी रहे। और वहीं दूसरी तरफ मिनर्वा उस लॉस्ट टेंपल में पहुंच जाती है और वहां पहुंचने के बाद उसे उर्जगर्दगा के वॉरशिपर्स मिलते हैं और वो उसे कहते हैं कि वो अगर सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है और अगर उसकी सोल प्योर है
तो उसे उनके गॉड इनाम देंगे, लेकिन अगर उसकी सोल प्योर नहीं है तो उसे कर्स मिलेगा। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि उर्स्कर्त का गॉड एक ब्राइड की तलाश में है, तो उसके बाद वो वॉरशिपर्स बारबरा का ब्लड निकाल कर एक बॉल में डालते हैं और अपने गॉड को समर्पित करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली बारबरा एक प्योर सोल नहीं थी, क्योंकि बारबरा विर्जन नहीं थी और वो गॉड एक ब्राइड की तलाश में था। तो बारबरा एक विर्जन नहीं थी, इसके कारण वो प्योर भी नहीं थी, और इसी कारण वो गॉड उसे श्राप दे देता है और वो कर्स हो जाती है, और इसके बाद वो चीता में ट्रांसफॉर्म होने शुरू हो जाती है। और उसी वक्त वहाँ पे वंडर वुमेन आ जाती है बारबरा को ढूंढते हैं, और उसका टूटा हुआ GPS देख के वो बहुत ही घबरा जाती है, और तभी वो केव की ओर देखती है और उसके होश उड़ जाते हैं, और वो देखती है कि बारबरा पूरी तरह से चीता में ट्रांसफर हो चुकी है, और चीता उसे कहती है कि तुमने मेरी शादी मिस कर दी। तो क्योंकि वंडर वुमेन ने बारबरा को प्रॉमिस किया था कि वो उसकी हेल्प करने वहाँ पे ज़रूर आएगी, लेकिन वो नहीं आ पाई, तो इसके कारण बारबरा पूरी तरह से वंडर वुमेन को इस बात का दोषी ठहराती है। उसी वक्त वो वंडर वुमेन पे अटैक कर देती है और उन दोनों के बीच काफ़ी फाइट होती है, लेकिन वंडर वुमेन उसे किसी तरह से समझा कर शांत कर देती है। तो उसके बाद बारबरा जो कि चीता बन चुकी थी, वो वंडर वुमेन को पूरी की पूरी स्टोरी बताती है, और वो उससे कहती है कि इस कर्स की वजह से धीरे धीरे उसकी मेमोरी भी लॉस होने लगी है और वो अपनी बीती लाइफ के बारे में सब कुछ भूलने लगी है, और वो वंडर वुमेन से उसका प्रॉमिस मांगती है कि वो उसकी हेल्प करे इस कर्स से फ्री होने के लिए। तो वंडर वुमेन उसे कहती है कि वो ज़रूर उसकी हेल्प करेगी। तो वंडर वुमेन का प्रॉमिस लेकर चीता वापस जंगलों में लौट जाती है। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। तो ये थी मेरी आज की वीडियो ऑरिजिन ऑफ चीता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और गाइस, इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी मत भूलिएगा, जहाँ पे मैं मार्वल और DC के काफ़ी ऑसम मीम्स डालता हूँ। सो गाइस, अप टू डेट रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।